मंदसौर से। मंदसौर जिला प्रशासन ने माफियाओं अभियान के तहत शहर के मेघदूत नगर से 25 करोड़ की बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराया। मंदसौर जिला प्रशासन ने माफिया अभियान के तहत करोड़ों की शासकीय भूमि को भू माफियाओं के चुंगल से मुक्त करवाया है। भू माफियाओं ने जमीन पर पक्के मकान बनाकर और खेती कर अतिक्रमण कर रखा था। गुरुवार को मंदसौर के मेघदूत नगर के रहवासी इलाके में लगी हुई 25 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन को जिला प्रशासन ने मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया सब्बीर हुसैन गुड्डी नामक व्यक्ति द्वारा यहां दो पक्के मकान बनाकर और खेती कर कब्जा किया हुआ था। प्रशासन को जानकारी लगी थी कि अतिक्रमणकर्ता इस शासकीय जमीन को खुद की जमीन बताकर बाजार में भी बेचने वाला था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 7 बीघा जमीन मुक्त कराई और उस पर बना अतिक्रमण ध्वस्त किया। मामले की जानकारी मंदसौर तहसीलदार मुकेश सोनी द्वारा दी गई। मंदसौर संवाददाता सुमन चौहान की रिपोर्ट। कितना अतिक्रमण था? 1 हेक्टेयर 32 आरी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था बपाती हड्डी द्वारा। यह भूमि शहर से लगी हुई है, बहुत कीमती जमीन है, लगभग 25 करोड़ रुपए की भूमि है ये। यहाँ से भू माफिया को हटाया गया है और 2 मकान जो बने थे उन्हें भी तोड़ा गया है। भूमि शासकीय प्रयोजन के काम में ली जाएगी।